नमस्कार, संगीता अग्रवाल किचन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम सांभर मसाला पाउडर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन को गरम करके उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच चने की दाल, दो बड़े चम्मच उड़द की धुली हुई दाल। अब हम इन दोनों दालों को हल्की गैस पर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये हल्की गुलाबी ना हो जाए। हमें दालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल हल्की गोल्डन कलर की हो चुकी है। हमें इन्हें भूनने में करीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 5-6 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 7 से 8 से 10 करी पत्ते जो कि हल्के सूखे हुए हैं, और 1 चम्मच हींग डाल करके इन सबको हल्की गैस पर भूनेंगे। हमें इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है। मसाले डालने के बाद इन्हें हल्की गैस पर ही भूनें, नहीं तो आपकी मसाले और दाल जल जाएंगे। हमें इन्हें हल्की गैस पर भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे और नारियल का बुरादा डालने के बाद इनको 1 मिनट अच्छे से भूनेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो यहाँ पर आप सूखा घिसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। हमें नारियल का बुरादा डालने के बाद इसे भूनते हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से भून चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो हमारा मसाला नीचे से जल जाएगा, इसलिए इसे गैस बंद करने के बाद 2-4 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहें। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखा रहने देंगे। हमारा साबुत भुना हुआ सांभर मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में करेंगे। और अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। हमने मसाले को बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल बाजार के जैसे सांभर पाउडर का आया है। इसे आप घर पर बनाएं और इसे एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके 2-3 महीने तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।